हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है घर की सुगरण। तो आपको एक बात बताती हूँ, ये देखिए दिखाती हूँ आपको, बताती भी और दिखा भी देती हूँ। शाम के बज गए 4:45 और ये यहाँ पे है खाना खा रहे। तो बस इनका फेस ही देखिए, ठीक है। और बाहर दिखाती हूँ, अभी 4:45 बज रहे हैं और क्या हो रहा है बाहर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो खुशी की बात। तो बॉम्बे में चालू हो गई बारिश, फर्स्ट बारिश बॉम्बे की। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, और बताइए कि किसके किसके शहर में बारिश चालू हो गई है। अभी फर्स्ट बारिश है तो गर्मी भी उतनी होगी अभी। देखिए अभी, और बिजली भी बहुत चमक रही है। थोड़ा टाइम पहले तो एकदम ब्लैक अंधेरा हो गया था, जैसे कि शाम के 7 बज गए हो। हम लोगों का तो प्लान था मुंबा देवी जाने का, मगर प्लान कैंसिल हो गया, नहीं जा पाए क्योंकि बिजली भी बहुत चमक रही है। फिर पता नहीं ना, बारिश का भरोसा नहीं है, फिर अटक गए तो मुसीबत हो जाएगी। इसके लिए फिर प्लान कैंसिल हो गया और बारिश भी चालू हो गई हुई है। क्या आपको नहीं दिखा रहे ये अभी खाना खा रहे शाम के 5 बजे, क्योंकि काम पे गए थे, आज काम आया था। वैसे तो छुट्टी होती इनको मंडे को, मगर आज काम था इसके लिए काम पे चले गए थे। और यहाँ पे राजगीर से मिली है, और यहाँ पे मेरा गेहूँ साफ करने का भी काम चालू है, क्योंकि कल के लिए आटा नहीं है। तो मैंने चलो गेहूँ साफ कर लेती हूँ। और घर भी गंदा हो चुका है, क्योंकि राशन के घी हुए तो पूरा घर गंदा हो चुका हुआ है। तो चलो, बारिश भी बंद हो गई, नाम के लिए बारिश आ गई थी, और हवा भी बहुत चल रही थी, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया था। देखो अभी क्या होता है, आज का दिन ही था कि अभी कंटिन्यू चालू हो जाएगी बारिश, देखते। तो चलो कमेंट में भी बताइए किसकी किसकी यहाँ पर बारिश चालू हो गई है। चलो गेहूँ साफ कर लेती हूँ, और मैंने तो अभी तक खाना खाया ही नहीं है, क्योंकि सुबह नाश्ते में डोसा बना था, तो उसकी वजह से लेट भी खाया और पेट भी भरा हुआ इसकी वजह से। चलो गेहूँ साफ कर लेती हूँ, ये खाना खा रहे। तरुण राजवीर को खाना होगा तो खा लेगा, तब तो अभी चाय रख देती हूँ। शाम के 5 बज गए हुए, थोड़ी सी चाय पी लूँगी। और ये कल खारी लेके आए थे, थोड़ी चाय और खारी खा लेती हूँ। और हाँ, एक बात बताना था, इनका जो चश्मा लिया था ना, वो 2 दिन में ही चश्मे का फ्रेम टूट गया, तो अभी नया फ्रेम बनाया हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए वो पहले की फ्रेम बहुत बड़ी थी ना, जो उसका आउटसाइड जो फ्रेम बहुत बड़ी थी, तो वो अचानक यहाँ से ब्रेक हो गई, तो इसकी वजह से अभी देखिए फ्रेम भी छोटी करवा के ले लिए, और चश्मे का साइज़ भी थोड़ा छोटा लिया। उसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, ऐसे मुंह से ना बहुत बड़ा लगता था वो, इसकी वजह से। और ये ऐसा है नवा चश्मा, हाँ नवा, ठीक है। तो चलो, थोड़ा सा दिखने में इनको प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या है, नंबर का प्रॉब्लम है या चश्मे वाले ने ठीक से बनाया नहीं है। तो अभी उनको चश्मा में लगता दिखाने के लिए जाना पड़ेगा, जो जिनकी यहाँ से आँखें चेक करवाई थी ना, उनकी यहाँ पे उनको दिखाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि नंबर में प्रॉब्लम है कि चश्मा जिसने बनवाया है उसने ठीक से बनवाया नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। तो चलो चाय रखती हूँ और गेहूँ साफ करके ले लेती हूँ। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी, कैसे नहीं ज़रूर बताना। और शाम का प्लान तो कुछ पता नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं। वैसे इनको बोला तो था मैंने शाम को चलते पिज्ज़ा खाने के लिए, 99 रुपीज़ में है ना, शायद कुछ नया निकला हुआ है, 4 मील मिलेंगे, 4 आइटम, देखते क्या है क्या नहीं। अगर गए तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो, ठीक है। तो चलो बाय, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय। शाम के बज गए 4:45 और ये यहाँ पे है खाना खा रहे। तो बस इनका फेस ही देखिए, ठीक है। और बाहर दिखाती हूँ, अभी 4:45 बज रहे हैं और क्या हो रहा है बाहर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो खुशी की बात। तो बॉम्बे में चालू हो गई बारिश, फर्स्ट बारिश बॉम्बे की। ये देखिए सीढ़ी चढ़ गई, सीढ़ी सीढ़ी चालू। तो फ्रेंड्स, घर में बैठ के तो खुशी बहुत हो रही थी कि बॉम्बे में बारिश हो गई, बस थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से। मगर देखिए थोड़े टाइम बाद वीडियो अपलोड हो गया व्हाट्सएप पे कि बॉम्बे में जो बारिश हुई फर्स्ट, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो आपने वीडियो में भी देखा, हवा कितनी चल रही थी, बोर्ड्स उड़ रहे थे। तो अभी वो तो भगवान को ही पता कि क्या बात है। और सच में हवा बहुत चल रही थी, यहाँ पे तो हम लोगों को पता नहीं चला, जब रोड पे जाते तब सब पता चल जाता है, और बारिश का भी हम लोगों को पता नहीं चला।
कि इतनी हुई है। बाहर जब गए रोड के ऊपर तो पूरा पानी भरा हुआ था। तो ये देखिए वो जो गिरा हुआ था पूरा गार्डर, ये देखिए नीचे सब गाड़ियाँ वड़ियाँ खड़ी हो गई, जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके ऊपर गिर गया, नुकसान भी बहुत हो गया फ्रेंड्स। तो दुआ कीजिए जो भी इस गाड़ी के नीचे फंस गया हो, बच गया हो बेचारा, मेन तो कोई नुकसान ना हुआ हो ज़्यादा किसी की। वही देखिए एक गाड़ी के अंदर देखिए एक इंसान फंसा हुआ है बेचारा, जिंदा हो, कुछ ना हुआ हो उसको, प्रार्थना कीजिए। तो अभी क्या सच है और क्या नहीं कुछ भी पता नहीं है, सच में हवा से गिरा है या कुछ लापरवाही थी कि उसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है ये गिर गया है, कुछ भी पता नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से हुआ है, और वीडियो में तो सुनाई दे रहा था कि ये लापरवाही की वजह से हो गया है। तो चलो जो भी है वो तो किसको भी पता नहीं है, बहुत कुछ लिख के आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को लगता होगा कि बॉम्बे की लाइफ बहुत अच्छी है, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉम्बे में तो कभी कभी ऐसी बारिश होती है कि रात को हम लोगों को सोने को नहीं मिलता, घर में पानी घुस जाता है, पूरे गटर्स भर जाते हैं। घर के आगे भी आप देखेंगे तो जैसे कि नदी बह रही हो, इतना मतलब गंद मचा होता है बाहर। कभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये एक और गिर गया हुआ है जिसके ऊपर क्या बोलते उसको, जो भी है क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, वो देखिए पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया हुआ है। तो कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया फ्रेंड्स। तो ये है बॉम्बे की हालत। तो अभी देखो बारिश चालू हो जाएगी तो क्या हाल होता है क्या नहीं। तो चलो दुआ कीजिए जिसके जो भी हादसा हुआ है उसमें किसी की हानि ना हो गई हो, सब ठीक हो। तो चलो ये भी बताइए कि आपके यहाँ पे भी बारिश हुई कि नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ऐसे दुआ में याद रखना, बाय।